नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। आधार जारी करने वाली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI को अब और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब ऑथराइजेशन के पास बायोमेट्रिक पहचान के दुरुपयोग पर कार्रवाई करने का अधिकार भी होगा। मतलब अब कोई भी कंपनी आपकी पहचान के लिए आपसे आधार की मांग तभी करेगी जब आप अपना आधार देना चाहेंगे। इसके अलावा कोई भी कंपनी अगर आप पर आधार के लिए दबाव डाल रही है तो आप उनसे 1 करोड़ तक का जुर्माना भी वसूल सकते हैं और साथ ही संबंधित व्यक्ति को 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा भी दे सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सिम कार्ड और बैंक खातों के साथ आधार लिंकिंग की अनिवार्यता को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मोबाइल सिम के लिए भी आधार कार्ड जरूरी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पैन के लिए आधार की अनिवार्यता को बरकरार रखा था, जिसके बाद सरकार ने घोषणा की थी कि वो अगले सत्र में आधार के नियमों को लेकर संशोधन करेगी और इसी दिशा में सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके लिए 2 कानूनों बैंकिंग एक्ट एवं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार के इस फैसले के चलते अब आपको बैंक अकाउंट खुलवाने और नया सिम खरीदने के लिए आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जगह आप कोई सामान्य पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर कोई बैंक या फिर टेलीकॉम कंपनी आपको आधार के लिए बाध्य करती है तो आपको पूरा अधिकार होगा कि आप संबंधित कंपनी को सजा दिला सकते हैं।